वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए कहीं, जो कि सरप्राइज है। और इसी के चलते जैसे कि आप देख सकते हैं पंकज यहाँ पे है और पंकज ने खो दिया चाबी गाड़ी की। अब ये क्या करने वाला है ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा 7th एपिसोड इस सीजन का। बंदा ये रिवील नहीं कर सकते हमने इसमें क्या क्या रखा है। सामान अपना सारा पैक है, आप देख सकते हैं कि हीटर भी हमने रखा है क्योंकि वहाँ पे -9 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की बहुत ज्यादा गर्मी है। मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। आप लोगों का व्लॉग क्या स्टार्ट करा मैंने, चाबी मिल गई, चलो भाई। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं मम्मी की एंट्री हो गई है। मम्मी ने इतना सारा सा हेलो, इसका तो मीम बनना चाहिए भाई। तो गाइस शीशे में आप देख सकते हैं, आपको नहीं दिखेगा वैसे मैं दिखा देता हूँ, पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा और मैं अपना शीशा एडजस्ट कर रहा था देखने के लिए पीछे देखूं क्या नहीं। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी हमारी न्यू है भाई, तो हमने सोचा इसको घुमा के लाए थोड़ा। देखो जाहिर भी काला है, दिख ही नहीं रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम हिमाचल में एंटर कर गए हैं और मनाली की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि जहां में जाना है उसका रास्ता मनाली की ओर से। पिटाई लग सकती है गाइस। अब हम जा रहे हैं, ये देखो आम भी आपको दिख रही होगी, ये और आम भी। ओ मैंगो की ऐड कर दे, कटपीना काफ ये करती है बस। यार पंकज यार उनके लिए तो छोड़ दे भाई, यार तू तो बड़ी तवाइफ निकली। वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। जैसे आप देख सकते हैं नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फ्लैश जल रही है जिसकी वजह से आज उजाला हो रहा है। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, मेरी मम्मा को गुड मॉर्निंग कर जल्दी सारे। हेलो गाइस, भाई नहा लिए हैं, सब रेडी हो गए हैं। हम लोग मंडी में, मंडी में कहाँ हैं, मंडी से 20 किलोमीटर पहले, अब हम स्पीति की ओर बढ़ेंगे गाइस। जैसे कि अब हम बीच में एक ब्रेक ले लिया, खाना खाने के लिए हमने तीसरा ब्रेक लिया है क्योंकि एक एक बार में हर एक इंसान रुक के खाने की बातें कर रहा है। अब जैसे कि मम्मी की बारी थी, आके देखो बड़ा अच्छा लगता है गाइस, माफ करना गाइस। कर्म का फल मैंगो, कच्चा मैंगो जो फल है वो कच्चा रह गया, तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ताकि आपका फल पके। जो ये बात है ना, ये वाली बात, आधा गिराना है हमें इस पे लगा के खाऊंगा मैं ऐसे करके। और मेरा हाथ क्या है, और मेरा हाथ ऑक्यूपाइड है तो मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगा। गाइस आ गए हैं अपनी स्कॉर्पियो में थोड़ा आगे बढ़ते हुए। अब देखा 4x4 लगा के मम्मी ऑफ रोडिंग करती हुई, ये बात ये क्या है, ये कौन सी बीट है भाइयों, ये कौन सा सूरज बोलते हैं इसे, ये पश्चिम का सूरज है, सूरज जो है ये अपना जो जो अरे उसको क्या कहते हैं, सनसेट को, जो ढलता सूरज है ना, अगर आप लोगों ने उसको सलाम कर दिया, लेकिन समझ रहे हो आप, आपका करियर ऐसा हो जाएगा लाइफ में, ऐसा फूलता हुआ, समझ रहे हो क्यों मम्मी? यस गाइस हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू थोड़ी देर में, और हम पहुंचे ही नहीं है बहुत देर तक क्योंकि मम्मी हर जगह रुकवा रही है। मम्मी ने अभी खेती देख ली, वहां रुकवा दिया। मैंने बोला क्यों रुकवाया, क्यों अच्छी लग रही है, लेकिन भाई ये तो अलग ही ड्राइंग है। अगर गाइस आप देख सकते हो ये ड्राइंग, ऐसा ड्राइंग में बचपन बनाता था ऐसे करके, ऐसे देखो ना, ऐसे खींचा करके पहाड़ बनाता था पहले, बीच में एक सन पेड़ लगा साइड में और एक नदी जा रही होती है, घर बनाता था साइड में, मेरा ये फेवरेट है, और नदी, लेकिन ओल्ड टाइम्स, इतने सारे घर बन गए। अब देखो आप कितने सारे, मैंने एक ही घर बनाया था, लेकिन ये वाला घर बनाया था मैंने, उसके बाद धीरे-धीरे भाई इतना सेल्फिश है कि इसने अपना ही घर बनाया। गाइस मटन लेने आए मीट शॉप पे, क्योंकि आज तंदूर में हम जो अपनी लेके आए हैं उसके अंदर कितना माउथ वाटरिंग सब्सटेंस कुक करने वाले हैं, एंड वो मेरी हमेशा से फैंटेसी रही है कि कैसे 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 आपने बोला कि 10 रुपए तो मैं 10,000 दूंगा। कैसे आया भैया, नदी थोड़ी सी दूर है तो जाहिर करा यहीं से धो लेते हैं। बहरा भाई, बहता हुआ पानी का भी गलत नहीं होता, पता है, गंदा नहीं होता, ठीक है, बहता हुआ पानी तो है भाई, लेकिन उड़ जाओ भाई आज के, चलो क्रॉस करो इसे, चलो आगे। छोटे पैर देखो, एक बार में क्रॉस करने वाला होता है ऐसे जाए, यूं करके यहाँ आ गए, लेकिन भाई की हाइट छोटी है तो हम उस हिसाब से, चलो जी भाई यहाँ पे किसी बहुत बड़े जानवर ने पैर रखा था, ब्लॉग में डालोगे बुरा मान जाऊंगा भाई। देखो कितना तेज बहाव है वाला जो चीज है, ओहो भाई मुंह से पानी आ रहा है तो पानी का निकालू इस नदी में क्या, ये वाली बात जो है, ओ मादर पुत्रा
ये वो 1 kg जो चिकन है ना भाई, अब जो हम इसको बना जिस तरीके से हम इसको बनाने वाले भाई, इधर से शेर आके ये यहां पे ऐसा ना हो मेरे को भी खिला दो कि ब्रो जल्दी करो भूख लगी है। रेसिपी आप लोग को मिल जाएगा लिंक में, लिंक में ब्रो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी क्यों मिलेगा जब वीडियो बन रही है, वीडियो के अंदर है क्या-क्या बनेगा डिस्क्रिप्शन में, ब्लॉगर बन रहे हैं लेकिन लिंक में अलग से लिंक अटैच कर देंगे ना जहाँ से वो खरीद सकते हैं। सुनो ये टप यहाँ ये सुनो सुनो वो नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं डाल रहा हूँ और बाद में बोलो कि ज्यादा नहीं डाला हूँ, परफेक्ट डालो सब। मटर मसाला डाल गया इसमें, अबे चिकन में मटर मसाला डाल दिया। ये बात देख रहे हैं आप नहीं देख रहे, दिखाओ यार काली मिर्ची ज्यादा हो जाएगा फिर तुम्हें लगेगा। ओए काम काम ज्यादा नहीं चाहिए भाई, ओहो अबे कैमरे पे भी आ रहा है मसाला तो भाई ने टच कर गया इसको। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इस बंदे ने साले ने ये ब्रो ने ऐसे ब्रो ने ये नहीं बोलना चाहिए आप सबके सामने कि भाई ये कम था वो ज्यादा था, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट है, तुम तो ऐसे जैसे मैं बहुत पुराना सेफ हूँ। सेफ है सैफ अली खान जो दिखाई कैमरे में। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने बहुत तगड़ी चीज की खोज करी है इसको, जिसके लिए भी लेके आना है, जिसको उड़ता तीर अपने अपना तंदूर पास कर दो, तंदूर ही नहीं भाई आ गया अपना तंदूर दिखाने, अपना तंदूर दिखाओ, ये सीख डाल दिया मैंने तंदूर में। क्या बात है जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने स्कॉर्पियो की जो लाइट से हम सही प्रयोग कर रहे हैं, लौड़ा नहीं जलेगी इससे कुछ, रख ना उस पे मिट्टी का तेल। वाह ये कौन सा मिट्टी का तेल है भाई, भाई देख लो देखो देखो भाई मिट्टी का तेल भी क्या आग डाल दो जैसे कि देखो मैंने आग लगा दी इससे कुछ नहीं हुआ, और सही में मैंने ये जो आ रही ना फ्लेम्स ये मैंने लगाई है। आप तुम बढ़िया लगाते हो ना भाई। गाइस फाइनली जो अपनी आग लग गई है बढ़िया आँच हो गई है, जिसे कहते हैं पांच पे लगा दियो। अब ये जो हमने बनाया है ना इसकी ये आकार, क्योंकि कोयले ऊपर की तरफ टच हो रही थी इससे, ये देखो भाई अब थोड़ी सी लाइट बढ़वा दी हमने जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर जो डेफिनेशन आ रही है कितनी बढ़िया है। ये देखो अब बनना स्टार्ट हो गया अपना ये चिकन, और ये रहा अपना सेकंड चूल्हा। हटो हट 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 मम्मी को भी दिखाओ, मम्मा को, मम्मा हमारी चावल बना रही हैं। गाइस अब हम जैसे कि इसमें आग लगाने जा रहे हैं, थोड़े जल्दी डेंजर आवाज आ रही साले भाई, क्या ही बनाया यार शिट भाई। भाई आपको ये दिख रहा है आग लगा, ये देखो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं खाया यार। भाई मत दिखाओ वैसे, ये देखो पूरा क्या मस्त बनाया ना, एकदम मस्त बनाया ये। जैसे क्या देख सकते हैं, आइए 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 इधर भाई, जिंदगी तो ऐसी। गाइज अपन ऐसी जगह पे आए हैं कसम से, आप ये वाला नज़ारा देखो कितना ब्यूटीफुल है, है मतलब ये वाला नज़ारा देखने के लिए, समझ रहे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर चिकन रेसिपी लेटर एंड जाहिद यक्ता। इसमें ये मक्खन डलेगा इसके बाद, भाई जैसे आप देख सकते हो हमारा ये चिकन तंदूरी रेडी हो गया, और अब हम आते हैं मटन की ओर। गाइस फाइनली ये रेडी है और ये है वो फाइनल रिजल्ट, इसके अंदर कोई कसर ही नहीं बाकी है। ये देखिए जो मैं खाने वाला हूँ और आप नहीं, लेकिन अगर आपको भी खाना इसी तरीके से, यकीन नहीं है कि मैं इतना अच्छा बना सकता हूँ, तो ये आपने देख के बनाया, जहाँ से देख के बनाया वो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, वहाँ से देख के एग्जैक्टली वैसे मैरिनेट करना है एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड लाइफ गोज ऑन। सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डू शेयर।